नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल 2021 टीयर वन एग्जाम का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस देखेंगे और साथ ही वीडियो के आखिर में जानेंगे कि इस बार एसएससी सीजीएल 2021 टीयर वन के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैटर्न है एसएससी सीजीएल टीयर वन का, उसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस का सेक्शन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसी तरह से क्वांट के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं। ओवरऑल आपको 60 मिनट का समय मिलता है पूरे पेपर के लिए और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट्स यानी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई पैटर्न की बात। दोस्तों अब बात करते हैं कि आज का जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका अगर एनालिसिस किया जाए, कैंडिडेट से जो फीडबैक मिला है, तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। इसका जो मेजर एरिया ऑफ फोकस रहा है जो क्वेश्चंस पूछने का, उसमें करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड डांस, बुक एंड ऑथर, साइंस, ज्योग्राफी आदि में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछे गए थे जैसे कि प्रीवियस ईयर में, तो इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो भी करंट अफेयर्स के ज़्यादा पूछे गए हैं। और अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल जोड़ के देखें तो उनका वेटेज ज़्यादा रहा। अब बात करते हैं कि टॉपिक वाइज कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और उनका लेवल क्या था। तो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इजी टू मॉडरेट थे, यानी 3 में से 1 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, 2 क्वेश्चंस में थोड़ा अगर आपने पढ़ा हो तो आप भी कर सकते हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड कैंडिडेट्स के द्वारा फीडबैक दिया गया है, तो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफ़ी इजी थे। जियोग्राफी के टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए इजी टू मॉडरेट। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं लगभग 20 के आसपास, वो क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। 25 में से लगभग 20 क्वेश्चंस हमें मिले हैं। इनके अलावा भी कोई क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं कम से कम जनरल अवेयरनेस के वो नीचे हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दें और आने वाले शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा उससे एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इजी टू मॉडरेट। स्टैटिक अवेयरनेस के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ये भी इजी टू मॉडरेट थे। बायोलॉजी के 3 इजी क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चंस थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। फिजिक्स का 1 क्वेश्चन था जो इजी टू मॉडरेट था। करंट अफेयर्स के 6 से 7, जैसा कि आपको पहले ही बताया, इसका वेटेज ज़्यादा था, तो इजी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। टोटल 25 क्वेश्चंस और ओवरऑल इस सेक्शन को देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट रहा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में। तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के बारे में पूछा गया था कि किस साल में इसको स्थापना हुई थी, तो 1950 इसका आंसर है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, इसका जो राइट आंसर था अल बरूनी। इसके अलावा गणेशी लाल इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, इसका सही जवाब था ओडिशा। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड वेलिंगटन। सेंटर मिनिस्टर, जो सेंट्रल मिनिस्टर का एक नाम पूछा गया था। इसके अलावा थाईलैंड नेशनल गेम्स, जो थाई बॉक्सिंग है उसके बारे में क्वेश्चन था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी इसके बारे में क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन वोल्फ इज यूनिट ऑफ विच, ये पूछा गया था। इसके अलावा वन धन योजना जो है वो कब, यानी कौन से स्टेट में शुरू की गई। विच इज़ द पार्ट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इसका आंसर था। और वॉट इज कन्वेक्शन। पीएम आफ्टर मोरारजी देसाई कौन थे। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन विच ईयर, तो 1928, ये चंद्रशेखर आज़ादी वाली जो थी एसोसिएशन। यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी पर मिनट सेकेंड, और केजी मिनट पर सेकेंड इसका सही आंसर है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च इन विच ईयर, 2015। और एबी डिविलियर्स रिलेटेड टू विच आईपीएल टीम, आरसीबी। और इन साउथ विच रिवर इज कॉल्ड गंगा, ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन और थे जो कि कैंडिडेट्स सही से नहीं बता पाए। जो क्वेश्चन हमें कॉमन मिले वो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। अगर और भी क्वेश्चन आपके पास हों जो बचे हुए हैं, या इनमें से कोई क्वेश्चन अगर करेक्ट भी ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेक्शन का एनालिसिस देखते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो ये सेक्शन इजी लेवल का था। इसमें कोई भी आरसी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया था जैसा कि कैंडिडेट से फीडबैक मिला। इसकी बजाय एक क्लोज टेस्ट था विद 5 क्वेश्चंस, और इसके अलावा इजी लेवल के क्वेश्चंस थे क्लोज टेस्ट के भी। क्लोज टेस्ट का जो टॉपिक था वो बेस्ड ऑन हनी बी था, और
इसके अलावा दो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिंटोनिम और एंटोनिम सिनोनिम ऐसे पूछे गए थे। अब बात करते हैं टॉपिक्स की, तो फिलिंग द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन था, इजी था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दो क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। इजी एरर डिटेक्शन के दो क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। पैराजंबल के दो क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। आइडियम्स और फ्रेजेस के एक क्वेश्चन थे और इजी था। सिनोनिम्स के दो क्वेश्चन थे, इजी थे। एंटोनिम के दो क्वेश्चन थे जो कि इजी लेवल के थे। एक्टिव पैसिव के भी दो क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दो क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। वर्ड करेक्शन इन सेंटेंस बोल्ड वर्ड था जिसका कि मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दो क्वेश्चन थे, इजी थे। क्लोज टेस्ट के पांच क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। ओवरऑल 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश सेशन के थे वो इजी टू मॉडरेट थे। एंटोनिम पूछे गए थे सीज का, ग्रेजुअल का, लॉस का, और सिनोनिम सीज का पूछा गया। एडियम्स पूछी गई रेज द बार। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन था जो कि इजी टू मॉडरेट, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी की ओर इसको टेंड करते हुए मान सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला सेक्शन है क्वांट का, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका लेवल इजी टू मॉडरेट था। अगर बात करें तो ये लेंथी था आपका क्वांट का सेक्शन। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक से थे, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रिगोरस कैलकुलेशन से भी थे। इसके अलावा आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो रेशियो, एवरेज, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई जो कि टेबुलर दिया हुआ था इसमें से थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो अगर बात करें टॉपिक वाइज, तो रेशियो के दो क्वेश्चंस थे इजी टू मॉडरेट, एवरेज का एक क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट, नंबर सिस्टम के दो क्वेश्चंस थे इजी थे। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन का दो क्वेश्चंस थे इजी टू मॉडरेट, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था जो कि मॉडरेट था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन था, दोनों ही इजी टू मॉडरेट थे। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था इजी था। SICI का एक क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। ज्योमेट्री में से दो, मेंसुरेशन में से तीन थे और ये इजी टू मॉडरेट थे। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में से दो, और इसके अलावा परसेंटेज में से एक क्वेश्चन, एलजेब्रा का एक क्वेश्चन था और ये इजी लेवल के थे तीनों ही। बात करें डीआई तो टेबुलर डीआई थी, चार क्वेश्चंस थे इजी टू मॉडरेट। बोट और स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल 25 क्वेश्चंस थे और पूरा सेक्शन जो क्वांट का था वो इजी टू मॉडरेट का रहा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड कैंडिडेट से प्राप्त हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन था कोड 25, कोड 35, कोड 45, कोड 55 और कोड 65 की वैल्यू पूछी थी, और इसका आंसर आप देख सकते हैं 25 और 65 90 का हो जाएगा 1, इसी तरीके से 35 और 55 90 का 1 हो जाएगा, कोड 45 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई बराबर वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 16 अपॉन 15, तो आपको इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाउंड आउट करनी थी। इसके अलावा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बटा 4 देन फाइंड एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो ये भी आप कर सकते थे। पी की वैल्यू दी हुई थी 8192, रेट दी हुई थी 15%, टाइम यानी समय दिया था 5 मंथ, और सी आई फाउंड करना था, आप आसानी से कर सकते हैं। एवरेज दिया हुआ था 5 नंबर्स का और लास्ट 5 नंबरों का जो है वो भी गिवन था एवरेज, और मिडिल नंबर पूछा गया था, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी संख्या जो है इसमें से घटाई जानी चाहिए कि जो नंबर है वो सेम प्रोपोर्शन में रहे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा डायमीटर ऑफ ए सर्कल 25 दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी कोड की 25, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर टू कोड पूछी गई थी। इसके अलावा 776 एक्स वाई एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 3711 देन 3x-5y की वैल्यू पूछी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइड ऑफ रोम्बस इज 13, तो वन डायगोनल जो है वो आपका दिया होता 24 का, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे इन क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस आपको याद हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। इसमें जो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, इनके क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इसके अलावा एक क्वेश्चन सिलॉक्स का था। बात करें एनालॉजी की तो दो क्वेश्चन थे नंबर और वर्ड के और इजी थे। ऑड वन आउट के 2 से 3 क्वेश्चन थे इजी थे। सीरीज के 2 क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट। स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक क्वेश्चन था इजी था। डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था। सिलॉक का एक क्वेश्चन था। ऑर्डर का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे और ये इजी लेवल के थे। नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे इजी लेवल के। नंबर सीरीज के 2 थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जो कि डिफिकल्ट था। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का डिफिकल्ट आया था। वेन डायग्राम एक क्वेश्चन इजी। पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन इजी था। मिसिंग सीरीज, मिसिंग टर्म के 2 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर के एक क्वेश्चन, ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मिसकेलनियस एक क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के जो रहे वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट रहे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओवरऑल क्या रहा पहली शिफ्ट का। तो जो आज की पहली शिफ्ट यानी 13 अगस्त की पहली शिफ्ट थी उसको देखते हुए
इंग्लिश का जो सेक्शन था वो इजी लेवल का रहा, और आपके जो गुड अटेम्प्ट्स कहे जा सकते हैं जितने कि आप कर सकते थे, तो 1919 से लेके 21 क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वांट में इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहा इस सेक्शन का, 17 से 18 आप कर सकते थे। जनरल इंटेलिजेंस के इजी टू मॉडरेट था, 19 से 20 क्वेश्चंस कर सकते थे। जनरल अवेयरनेस के इजी टू मॉडरेट थे, 16 से 18 क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 इजी टू मॉडरेट रहा, तो 75 से 80 क्वेश्चंस आपको कर सकते थे आप आसानी से बिना कोई नेगेटिव किए। तो दोस्तों ये तो था एक ओवरऑल एनालिसिस एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का। आने वाले शिफ्ट में भी ऐसा ही लेवल रह सकता है, और चूंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड होके ही आएगी। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ का ट्रेंड रहा है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों ये जो कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हुए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहती है और जो अलग अलग कैंडिडेट्स की अपीयरेंस है एग्जाम में उसको देखते हुए, तो एक तुलनात्मक कट ऑफ हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम का लेवल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा तो पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइज होके जो कट ऑफ रह सकती है वो आपको हम आखिर में बताएंगे। तो बात करते हैं 2018-19 टीयर वन की। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी की ए पोस्ट यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 170 रही थी, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड की 165.96 रही थी, और रिमेनिंग पोस्ट के लिए जो अदर पोस्ट ज़्यादातर रहती है उनके लिए 137.07 रही थी। तो जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और यही आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओबीसी की 165 रही थी एओ के लिए, और जेएसओ के लिए रही थी 162.35, और जिसके लिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं रिमेनिंग पोस्ट के लिए 131.18 कट ऑफ रही थी। 2018-19 की टीयर वन की बात कर रहे हैं हम। एससी की 148.97 रही एओ की, और जेएसओ की 140, और जो अदर पोस्ट है रिमेनिंग 111 रही। ओवरऑल देखा जाए तो एसटी की अगर बात करें तो एओ के लिए 141 और जेएसओ की 129, और जो रिमेनिंग पोस्ट के लिए 103 रही। तो ज़्यादातर ये कट ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं जो कि ज़्यादातर पोस्ट यही हैं, तो 137, 131, 111 और 103 अदर जो कैटेगरी है वो भी अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 2019-20 के लिए जो कट ऑफ रही उसकी बात करते हैं। तो एओ पोस्ट के लिए अगर बात करें तो जनरल की आपकी 180, ओबीसी की 172, एससी की 156 और एसटी की 151 और ईडब्ल्यूएस की 175, बाकी कैटेगरी की भी आप देख सकते हैं। जेएसओ की बात करें तो 165, 154, 130, 190 और 152। बात करते हैं जो हमारी रिमेनिंग पोस्ट हैं जिनके लिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, 147 कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की 135, एससी की 115, एसटी की 104 और ईडब्ल्यूएस की 135। तो यही कट ऑफ हम अगर इसके तुलनात्मक एनालिसिस जो हमने एग्ज़ाम का लेवल देखा है कैंडिडेट्स का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर देखें तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एओ पोस्ट के लिए 175 to 182, ओबीसी की 170 to 174, एससी की 154 से 158, एसटी की 150 to 153, ईडब्ल्यूएस की 173 to 175। दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो आप इसको फाइनल कट ऑफ मान के ना चलें। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं आपको लगता है इतने आपके मार्क्स बन जाएंगे तो आप ज़रूर मेंस को तो आपको तैयार करना ही करना है। जेएसओ की बात करें तो 164 से 174 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 153 to 156, एसटी के लिए 129 to 134 और एसटी के लिए 118 to 124 और ईडब्ल्यूएस के लिए 151 to 154, और अदर कैटेगरी भी आप अपनी मैच कर सकते हैं। रिमेनिंग पोस्ट जो हम ज़्यादातर देखते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो जनरल की रह सकती है 146 to 151, ओबीसी की 134 to 142, एससी की 114 से 119 और जो एसटी है उसकी रह सकती है 130 से 109, ईडब्ल्यूएस की 134 से 141, अदर कैटेगरी की भी अपने कैटेगरी अनुसार आप मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल कट ऑफ रह सकती है आपकी एसएससी सीजीएल 2021 टीयर वन के लिए। दोस्तों इसमें कट ऑफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ में निश्चित सी बात है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो होना ही है, लेकिन ये अभी तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद और जो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड रहा है और कंपटीशन का लेवल देखते हुए ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।